बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू द स्लाई कढ़ाई एक फन यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो जो है वो आप लोगों को थोड़ी सी दिखी दिखी सी लग रही होगी, बिकॉज एक पहले भी मैं इस तरह का ड्रेस अपलोड कर चुकी हूँ, वो वाइट कलर में था एंड ये जो है वो पीच कलर में है, तो कलर थोड़ा डिफरेंट था, तो मैंने इसीलिए कहा कि सोचा कि अगर ये भी मैं दिखाऊँगी आप लोगों को तो एक कलर का आप लोगों को आइडिया मिल जाएगा कि किस तरह से जो है वो एक डिफरेंट कलर पर ड्रेस लगता है, वाइट कलर पर किस तरह से लगता है और किसी और कलर पर किस तरह से लगता है। सो एक आप लोगों को जो है वो आइडिया मिल जाएगा कि आप लोग अगर किसी और कलर पर करवाएंगे काम तो अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा। सो इसीलिए ये भी मैंने रिकॉर्डिंग की ताकि आप लोग को और भी देख सकें और भी आप लोगों को जो है वो वैरायटी मिल जाए कलर्स की एंड काम की भी, जिस तरह से उस ड्रेस का हमने काम किया था एग्जैक्ट उसी तरीके से जो है वो स्ट्रेस पर काम किया था। सबसे पहले जो है वो देखिए वहाँ पर स्टार्टिंग में ये पैनल्स है, पैनल्स पर जो है एक फ्लावर उस तरफ हमने बनाया था पैनल्स के राइट साइड और दूसरा जो है पैनल की लेफ्ट साइड पर था, दूसरा अगेन राइट साइड पर एंड दूसरा लेफ्ट साइड पर। तो जब आप कंप्लीट लुक देखेंगे ड्रेस का तो आपको पता चल जाएगा कि ये पैनल्स वाला काम जो है एक्चुअली हमने किया किस तरह से था। ये देखिए स्टार्टिंग में जो है वो सबसे पहले तो हमने इस तरीके से कर लिए हैं ताकि जो है वो मैं आप लोग को बता सकूँ कि सबसे पहले कौन सा काम है एंड देन उसके बाद जो है कौन सा काम है। ये देखिए इस तरह से जो है इस साइड हम लोग काम करेंगे। तो कलर्स हमने वो ही यूज़ किए थे जो वाइट ड्रेस पर किए थे। वाइट ड्रेस आप लोगों ने देखा है तो जिन्होंने देखा उनको पता होगा, जिन्होंने नहीं देखा तो उनके लिए स्पेशली उस ड्रेस वीडियो का लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी ताकि आप लोग भी जाकर देख सकें, आप लोग भी वाइट ड्रेस देखिएगा वही इसी तरह के तरीके का था, वो भी बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारा ड्रेस बना था वाइट भी और बहुत ही अमेजिंग ड्रेस था। तो आप लोग ज़रूर जाकर उसकी भी वीडियो देखिएगा, उसकी भी डिटेल वीडियो है। वो वाइट था तो उस पर हर कलर जब जज रहे थे और बहुत ही उठ रहे थे कलर, बट इसके ड्रेस पर जो है वो इतने उठ नहीं रहे थे, थोड़े दबे दबे से कलर लग रहे थे। हमने वूल के धागे के साथ काम किया था लेकिन आप लोग जब सिल्क के धागे के साथ भी काम कर सकते हैं, बट टू बी ऑनेस्ट जो वूल के धागे के साथ काम लग रहा था वो सिल्क के धागे से बिल्कुल भी वैसा नहीं लगता, क्योंकि सिल्क का धागा शाइन तो आती है लेकिन वो बहुत ही जब लाइट कलर होते हैं सिल्क के धागे में, डार्क कलर नहीं होते। तो इसीलिए अगर वूल का धागा जितना अच्छा लग रहा है तो सिल्क के धागे का बिल्कुल भी इतना अच्छा नहीं लगता। अब हम करेंगे इसके फ्लावर्स ऊपर बनाएंगे, ये बेसिकली स्टिक्स हमने बनाई हैं, अब फ्लावर्स बनाएंगे। फ्लावर्स आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह से बनाए हैं बनेंगे, और एक जो है वो निडल जो है वो ऊपर छोटा सा टांका लगा है वहाँ से हम लोग निकालेंगे, देन नीचे की तरफ जो डीजे स्टिक बनी हुई है उसके अंदर से निकालेंगे, देन ऊपर से नीचे से ऐसे राउंड जो है वो गोल जब हम लोग काम करेंगे तो ये जो है वो एज अ फ्लावर से बनते जाएंगे। और नीचे स्टिक्स जो है वो सिंगल कलर की डाली है, जस्ट ओनली वन कलर की, ग्रीन कलर की डाली है। उनके ऊपर जो हम लोग फ्लावर्स बनाएंगे वो उसमें हमने जो है वो हर कलर डाला था, ऑलमोस्ट सारे कलर्स डाले थे। ये जैसे कि येलो हम लोग काम करें इस फ्लावर का, नेक्स्ट का जो है वो वाइट करेंगे, उसके बाद जो है वो ब्लू, पिंक और रेड, और इस तरह से जो है वो सारे कलर्स हम लोग डालेंगे जिससे ड्रेस बहुत ही प्यारा लगेगा। ये भी एग्जैक्ट उसकी वैसी ही स्टिचिंग की थी जिससे वाइट ड्रेस की जैसे स्टिचिंग की थी, ड्रेस की भी उसी तरीके से जो है स्टिचिंग की थी। हमारे ड्रेस का कंप्लीट लुक, और ये देख सकते हैं आप लोग के किस तरह से जो है वो बना है। इसका कलर वैसा ही एग्जैक्ट कलर है जो पहले हम लोग भी अपलोड कर चुके हैं जिस पर वाइट काम था,
वैसा ही पीस हमारे पास पड़ा हुआ था, तो उसका भी एक और आर्टिकल बना, क्योंकि जो ऑर्डर था वो ही इस कलर का आया था, तो इसीलिए उसी कपड़े पर हमने जो है वो ये वाला काम किया था। ये देखिए पैनल्स पर काम किस तरह से किया है, जैसे कि मैंने आपको बताया था एक फ्लावर लेफ्ट साइड पर एक राइट साइड पर आएगा, तो इसी तरीके से जैसे कि पैनल्स पर हमने जो है वो कम्प्लीट इस तरीके से काम किया है। एंड गला पट्टी पर जो है वो फ्लावर साइड में लगाए हैं, एंड गला पट्टी के जो ऊपर है वो एक एक करके हमने फ्लावर्स लगाए। लेकिन गला पट्टी के ऊपर जो फ्लावर्स हमने लगाए हैं, आप लोग ये ना लगाएं, इसके ऊपर जो मिरर्स लगाएं तो वो और भी प्यारा लगेगा। लेकिन ऑब्वियसली जो कस्टमर्स की चॉइस थी हमने वो ही रखी, लेकिन आप लोग अगर बच्चों का बना रहे हैं तो ये जो ऊपर पट्टी देख रहे हैं गला पट्टी, इसके ऊपर जो है वो आप एक एक करके तीन मिरर्स लगाएंगे तो ये और भी प्यारा ज़बरदस्त लगेगा। नीचे आप लोग देख सकते हैं कि टिच बटन्स हमने पट्टी पर जो है वो टिच बटन्स लगाए हैं। तो ये थी वीडियो, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक कर दें, मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें। इस तरह के मज़ीद बहुत सारे वीडियोस हैं जिन्हें देखकर आप लोगों को एक अमेजिंग और बहुत ही अच्छे अच्छे आइडियाज़ मिल सकते हैं। सो गो एंड चेक माई ऑल द वीडियोज़ ताकि आप लोगों को और भी आइडियाज़ मिल सकें किस तरह से जो है वो आप काम करें। ट्राउज़र पर भी काम था, बहुत ही जो है वो पैनल वाला जो काम है एग्जैक्ट वही हमने ट्राउज़र के पोंचों पर किया है। मेरा चैनल भी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जरूर शेयर करें। आई विल मीट यू नेक्स्ट वीडियो। अंटिल दैट टेक केयर, बाय बाय, लव यू।